गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी ना आई थिंक 10 बजे का टाइम तो हो ही गया है, 9:45 हुए हैं फिलहाल। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट यानी कि घुमारवी, क्योंकि घुमारवी से पीछे हमको लाहौरी जीरा में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चाहिए। ये लो मुन्नी का लाहौरी जीरा, ठीक है डाला उसने इसमें, नहीं इसमें ही है ये जीरा है। तो मार्केट जो है हम लोगों को, वैसे लोकल मार्केट भी है हमारे घर के पास, बट वहाँ का काम नहीं है, हमको जाना पड़ेगा घुमाने में, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है जो हमें लेके आना है। मैंने होटल से लग रही, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ लिप बाप लगाया है। क्या ये देखो बंदा झूठ बोलता है, झूठ क्या, मैंने लिप बाम लगाया बस। नो मेकअप लुक नहाए भी नहीं हम लोग अभी। मैं तो नहाया हूँ, चल मुझे देख के तो लोग बोल नहीं सकते झूठ कहेंगे। मैं 4 बजे उठ के ना जाता सपने में नहीं, असली में। अच्छा ये रहा हमारे गांव का रास्ता, खूबसूरत सा, और वहाँ पे हमारे सिद्ध जी का मंदिर है, वो नहीं मतलब इस साइड को है। और अभी हम शॉर्टकट से जाएंगे ना, कुठारा होते जाने को ठारा होते हुए। शिव मंदिर यहाँ पे बहुत भीड़ है, क्योंकि आज है शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है मंदिर, बाकी वो जो ऊपर वाला मंदिर था मेन मंदिर, वो मैंने आज पहली बार देखा। बोले कि फौज करेगी मौज, ठीक है। हाँ, ये सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए, और भीड़ बहुत है। ओम नमक शिवाय। शादी, दूल्हा दुल्हन भी आ गया, दूल्हा भी आ गया, अपनी दुल्हन लेके भी गई शादी वाली गाड़ी भी। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, दर्शन करना मतलब बड़ा मुश्किल
मुश्किल काम हो जाता है। देखो गाड़ियां गाड़ियां लगी है, ये सारी मंदिर सड़क पे रोक दी। बेवकूफ जैसे लोग हैं, पता नहीं क्यों लोग गाड़ियां ले लेते थे, ड्राइव नहीं करनी। वही तो बात कह रहे हैं हम। बस इतने करीब भीड़ थी, पर बड़ा रश हो जाता है इस वजह से। तो जी हम पहुंच गए हैं चाची के घर, क्योंकि यहाँ से हमें सामान उठाना है। बहुत सामान यहाँ पड़ा हुआ है। हेलो, गमले कर दिए जाते हैं हर जगह। ऐसा लग रहा है यहाँ तो गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, और हमारे धर्मशाला में ठंड। ये चाची खेती बाड़ी कहाँ जा रहे हो? हैं अब तू आ गया, जो मर्जी पहनना है तूने। हाँ जी है, कौन सुहा है ना? इधर बनी है। नमस्ते। पैर छुओ पहले, जीत रहो। आप बोल रोम रोम रोम। तो जैसे ही हम लोग घुमारवीं पहुंचे, वैसे ही आपको पता है कि शिवरात्रि वाला दिन है, तो चाची यहाँ जो है अपने शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने हमें भी कहा, तो हम लोगों ने भी पूजा कर ली। वैसे हम लोग ऐसे घर से नहा के नहीं आए थे, और ना ही हमारा व्रत था। पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे टेंट लगना जो है शुरू हो चुका है, और ये यहाँ पे गद्दे और रजाइयाँ भी आ गए हैं। मैं बोल रही लगने शुरू हो गए हैं, ये बोला मैंने। दिस इज व्हाट आई सेड। नहीं आप नहाए नहीं हो? क्यों क्यों बेटा नहा लिया? यहाँ पे पीसे जा रहे हैं मसाले। मेरे ससुर जी का काम है मसाले पीसने का, क्योंकि उनको मसाले कैसे मिक्स करने हैं, उनकी क्वांटिटी रेशो क्या रखनी है वो पता रहता है। तो जी यहाँ पे छत पे हो रही है जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है उसकी तैयारी। तो यहाँ पे जब मैंने बाद में वीडियो देखी, तो कहा जा रहा था कि ऑडियो मत करना रिकॉर्ड, तो सोचा कि चलो उसको जो है मैं म्यूट ही कर देती हूँ। तो वैसे उतनी कुछ क्लियर ऑडियो आ नहीं रही थी, तो मैंने म्यूट ही कर दिया। सोचा आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे शाम के लिए जो खाना बनना है उसकी तैयारी हो रही है, जो भी सब्ज़ी वगैरह बननी है उसके तड़के की। मटर चाहिए तो मटर छीले जा रहे हैं, प्याज सब कुछ। तो इसी तरीके से होता है कि सब लोग मिल के जो है बैठ के काम करते हैं, और जो काम है वो झटपट से हो भी जाता है। गाँव में रहने के बस यही जो है बेनिफिट्स होते हैं, कि जिस जिसके घर में जो काम होता है वो एक दूसरे के घर में जब भी कुछ फंक्शन होता है तो काम निपटाने ज़रूर जाते हैं। और सामने का व्यू तो आप देख ही पा रहे हैं, खूबसूरत सा व्यू जो है हमारे घर की छत से वो भी है। हेलो, सब भी रवंड है थी। वही काम। और
सामान यहाँ एडजस्ट कर दिया है, जो जो सामान रखना है वो। और यहाँ पे कुछ हैंडसम लड़के खुद को निहारते हुए, क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप हैंडसम नहीं हो? नहीं है, पर खुद के मुंह से नहीं कहते। तो मैंने तो तारीफ की थी हैंडसम लड़के खुद को निहारते हुए, तूने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो तूने कौन सी बात को झूठ लाया कि तू खुद को निहार रहा है या तू हैंडसम है? अभी नहीं, खुद को निहार रहा हूँ। अच्छा, मतलब हैंडसम है यार वो तो। तेरे क्या हो रहा है? आदू ये इसको ठीक करो इधर मैट को, नहीं तो पैर फंसेगा किसी का। तो जी सारी अरेंजमेंट देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि घर पे जो है कुछ जगराते से रिलेटेड हो रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे घर पे माता रानी का जगराता है। वैसे तो शिवरात्रि वाला दिन था, लेकिन हमने माता रानी का जो जगराता है पहले से ही सोचा था। जब हमने सोचा था कि हमें अगर माता रानी ने एक छोटी सी कन्या दी तो हम ज़रूर जगराता करवाएंगे, तो यही जगराता जो है फिर हम करवा रहे हैं अब। तो उर्वी का बर्थडे तो निकल चुका है, लेकिन हमने सोचा कि चलो बर्थडे बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर चाची अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं क्योंकि इनका शिवरात्रि का व्रत था। और ये जो जागरण वाले उन्होंने अपना पूरा जो सेटअप है वो यहाँ पे कर दिया है, और बाकी का जो प्रोसीजर है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे देख सकते हो आप बच्चों को। आई लव यू ब्लू जी, लाइक सी लगी। आई लव जी यार, नहीं तो गौर से लगा ले मेरी मेरी शक्ल लड़की मुंह धो के आई है। प्लीज क्या मुंह धो के आई है? मैं मुंह धो के आऊं क्या? नहीं, मैं वो कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। मेरी शक्ल भी ना मेरी ज्यादा प्यारी है। क्यों परे जाने को ना सोनू मोरे सड़क ने तो यहाँ पे जागरण वालों की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो भी वो मांग रहे थे, वो खुद ही यहाँ पे सब कुछ रेडी कर रहे थे। बस हमारा काम था सामान पकड़ाना। बहुत सारी क्लिप्स जो हैं जो वो मैंने निकाल दिए क्योंकि कई अपना मुंह छुपा रहे थे, कई कुछ, तो फिर मैंने उनकी क्लिप्स को इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि किसी के परमिशन के बिना किसी की वीडियो डालना फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने तो बाद में देखी वीडियोज़, मुझे तो पता भी नहीं क्योंकि मैंने अपना फ़ोन व्लॉगिंग के लिए बहुत रेयरली उठाया है। तो मैंने तो ये प्रत्यूष के पास यानी कि जो बड़े वाली ननद है उनके पास दिया है, लेकिन बाद में जब मैं क्लिप्स देख रही थी तो फिर मैंने इसमें से वीडियोस जो है रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो रहा है, शाम के टाइम तो ज़्यादा लोग अभी नहीं थे, लेकिन डिनर का जो अरेंजमेंट है वो पूरा मतलब पूरी और सब्जियाँ चने वो सब कुछ बना था। तो फिर बस यहाँ पे देखो पूरियाँ बेली जा रही है और साथ साथ में तली भी जा रही हैं। तो ये आदित है, आदित के साथ अक्षित है, और ये मेरी ननद के बच्चे हैं, और मेरी जठानी भी लगती है उनके भी बच्चे हैं, और ये भी मेरी ननद है जो सामने बैठे हैं। तो प्रत्यूष जी पूरी उसी ने जो है इस फंक्शन की जितनी भी शूट है थोड़ा बहुत जो भी मतलब शूट किया है वो उसी ने किया है, मैंने तो कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि आपको पता है ये घर का फंक्शन होता तो इतनी ज़्यादा फुर्सत नहीं होती ये सब कुछ करने की, तो ये था रीज़न। तो बाकी जो जगराता है वो तो मैं आपको खैर दिखाऊंगी क्योंकि अगर पूरा इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो पूरा का पूरा जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग में मैं इतनी सी ही क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक करके कमेंट करके तो मुझे पता चल ही जाएगा, और ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे जो है मेहंदी वगैरह भी लग रही थी, तो ये चाची के हाथ में लग रही है मेहंदी। तो जिसको टाइम लग रहा था वो मेहंदी लगा रहे थे, जिसको जो भी जैसे टाइम मिल रहा था सब अपना अपना काम जो है कर रहे थे, और यही होता है फंक्शन में है ना।